Namaste, myself Dr. Prashant Rathod and welcome to Dr. Rathod's Ayurveda and Leech Therapy Clinic. Friends, last time I have done leech therapy on this patient. He is almost 22 years old and on his tongue we applied the leeches for stammering speech. That is haklana, tutlana. Is prakar ki kuch pareshaniya humare is patient ko hai. Patient is from Pune and he traveled from Pune to Kane just for his speech recorrection and speech therapy with the help of leeches. So almost 15 days we have completed, and what are the results we are having smooth idea with him. Namaste. Aapko last time humne leech therapy kiya tha, okay, almost 15 days pehle. So uske baad leeches tongue pe lage the aur leeches gir gaye, nikal gaye. तो लीच थेरेपी जब भी चल रहा था उस समय आपको कैसे लग रहा था? नर्वस था मैं थोड़ा, अंदर हुआ कुछ पेन हुआ, कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ? पेन तो नहीं हुआ कुछ जी, कुछ अभी ट्रीटमेंट के बाद, तो वो हो गया ट्रीटमेंट का पार्ट. ट्रीटमेंट के बाद अभी ये 15 डेज में आपका जो स्टैमरिंग का इशू है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, वो वर्ड्स बार बार दो तीन बार फंबल करना पड़ता है और फिर स्पीच आगे निकलता है. तो ये जो आपका जो इशू था, इसमें क्या आपको इम्प्रूवमेंट या क्या डिफरेंस लग रहा है? थोड़ा कम हुआ जी. कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट आपको क्या लगता है? 10% लगता है. और आप मुझे बोल रहे थे कि जीभ आपको थोड़ा सा एनलाइटर लाइट लग रहा है, थोड़ा लाइट फील हो रहा है. टेस्ट में वगैरह कुछ चेंजेस है खाने की टेस्ट में? नहीं कुछ. ओके. और ट्रीटमेंट के बाद कुछ तकलीफ हुई आपको लीच थेरेपी के कारण? जो थोड़ा बहुत लीच बाइट था, धुंध था, उसके कारण खाने पीने में कुछ तकलीफ हुआ? नथिंग. और आपको कल एक 10% तक इम्प्रूवमेंट लग रहा है फंबलिंग में, स्पेसिफिक वर्ड्स जो आप फंबल करते थे उसमें अभी परसेंटेज वाइज कम लग रहे हैं. सो आर यू प्रिपेयर टू गो फर्दर ट्रीटमेंट? व्हाट यू थिंक कि अगर हम और इसमें दो पांच सेशन और ज्यादा अगर हम करेंगे लीच थेरेपी के, तो आपको लगता है इम्प्रूवमेंट होगा? आपका आपका दिल क्या कहता है? करेंगे अपन तो होगा ऐसे आपको लगता है? ओके ओके. तो फ्रेंड्स, ही जस्ट लिटिल बिट नर्वस बिकॉज ऑफ द कैमरा एंड ही सेज दैट 10% इम्प्रूवमेंट ही फील्स ड्यूरिंग हिज स्पीच एंड ऑल द थिंग्स. सो वी आर प्लानिंग ऑलमोस्ट 5 सेशंस एंड वन ओनली वी हैव कंप्लीटेड, एंड इन दिस वन सेशन ही सेज 10% इम्प्रूवमेंट एंड हिज एज इज ऑलमोस्ट 22, राइट? 17 एज. बट सी द स्पीच, जनरली छोटे बच्चे बड़े होते हैं तभी एक दो पाँच साल तक स्पीच डेवलप हो जाता है, लेकिन 17 के एज में ऑलमोस्ट हमारे सारे सेंसेस और टंग और हाइट वेट ऑलमोस्ट प्रॉपर आदमी का ग्रोथ हो चुका है, और इसके बाद चेंजेस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट उसके बावजूद एट द एज ऑफ 17 he feels some sort of improvement, which is a very good thing, and hope so aage ki jo aapke sessions hai usme aur aapko results milega. Thank you for watching Dr. Rathod's Ayurveda Swasthya Rakshanaya Samarpitaya. Dhanyawad.